हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक सल्यूशन और मैं हूं सुनील। आज के इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट वॉर्मर क्रिएट करना बताऊंगा। मैंने वॉर्मर के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, फोल्डर वॉर्मर, फाइल वॉर्मर और एप्लीकेशन वॉर्मर भी मैंने बनाया है नोटपैड की हेल्प से। अगर आपको सभी को देखना है तो आपको आई कार्ड में डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। अगर मैं लिंक ना दे पाऊँ तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। जैसे मैं इस फाइल पर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है। पहले हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पर दो तीन वेबसाइट ओपन हो रहे हैं और ये लगातार ओपन ही हो रहा है, कोई भी हमारा कंप्लीट हो नहीं रहा है, जस्ट बहुत सारे वेबसाइट को लोड कर रहा है और ये इसी तरीके से लोड करता रहेगा। अगर आप यहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम को यहाँ से क्लोज कर देते हो तो ये फिर से ओपन होगा और जस्ट ये ओपन होता रहता है बार बार। अगर आप सीएमडी को यहाँ से क्लोज ना करो तो आपको यहाँ से सीएमडी को क्लोज कर देना है। तो इसी प्रकार का वेबसाइट बॉमर हम क्रिएट करेंगे, वो भी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ इस प्रकार का वेबसाइट बॉमर क्रिएट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की प्रेस करना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है नोटपैड। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ जिससे आपको इजीली दिख सके। और यहाँ पर आपको टाइप करना है @T को स्पेस ऑफ, उसके बाद आपको इंटर हिट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है CLS, उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर हिट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलन लगाना है और यहाँ पर टाइप करना है लूप। अगर आप लूप यूज नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ पर अपना नाम या किसी का भी नाम, कुछ भी यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर जस्ट TS टाइप कर देता हूँ, उसका इंटर हिट कर देते हैं और यहाँ पर आपको उस वेबसाइट का नाम या URL यहाँ पर पेस्ट करना होगा जिसे आप ओपन करवाना चाहते हो। उससे पहले आपको टाइप करना है स्टार्ट, उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेस देना है और यहाँ पर उस वेबसाइट का नाम टाइप कर देना है आपको। जैसे कि मैं चाहता हूँ, जैसे मैं उस एप्लीकेशन को या जैसे मैं उस बैच फाइल को ओपन करूं वहां पर मेरा वेबसाइट ओपन हो, उसके लिए मैं यहां पर टाइप कर देता हूँ www.techsolution.pro.blogspot.com। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको ये दिख जाए। उसके बाद इंटर हिट करना है। उसके बाद मैं फिर से डालता हूँ स्टार्ट स्पेस www.youtube.com/c/TechSolutionIndia। उसका इंटर हिट कीजिए और उसके बाद यहाँ से आपको फाइल पर सेव करना है। अभी आप इस वीडियो को क्लोज मत कर दीजिएगा कि आपको पता है आपको इस फाइल को बैच फाइल में सेव करना है। नहीं, आगे मैं आपको एक और ट्रिक इसमें बताऊंगा। अगर अभी आप इस यहाँ से सेव एज करके बैच फाइल में से सेव करते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा। यहाँ पर डायरेक्ट www डालता हूँ, उसका .bat लगाना है आपको। bat आपको पता ही होगा एक्सटेंशन है और ये इंपॉर्टेंट है बैच फाइल के लिए। उसके बाद सेव टाइप को आपको ऑल पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर इनकोडिंग को ANSI को सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर देना है। इसे मिनिमाइज कीजिए और ये देखिए ये रहा हमारा बैच फाइल। आपको इसे डबल क्लिक करके ओपन करना है और देखिए हमारा जो वेबसाइट है ये ओपन हो रहा है और हमारा यूट्यूब भी ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पर मेरा वेबसाइट और यूट्यूब चैनल दोनों ओपन हो चुका है, बट YouTube लोड लेने में बहुत ज़्यादा समय ले रहा है तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। बट ये रहा मेरा वेबसाइट जो लोड हो चुका है और यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे ही आर्टिकल पोस्ट किए जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। अभी ये जस्ट हमारा दो टैब ओपन हुआ जो कि हमने दो वेबसाइट यहाँ पर डाला था। देखिए ये रहा हमारा नोटपैड, यहाँ पर हमने दो वेबसाइट डाला था, इसलिए यहाँ पर बस हमारा दो
टैब ओपन हुआ है और यहाँ पर दिया देख लीजिए, मैंने जो पहले लिखा था वेबसाइट का यूआरएल वो इनकरेक्ट था, मतलब वो एक्सेस नहीं ले रहा था, मुझे यहाँ पर https लगाना पड़ गया था, उसके बाद ही मेरा वेबसाइट ओपन हुआ था, तो इसलिए ऐसी तरीके से ओपन हो रहा है। और ये देखिए मेरा यूट्यूब चैनल भी लोड हो चुका है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर रखा है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बट अब बात करते हैं इस वीडियो की ओर, तो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर एंटर हिट करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है गो टू स्पेस, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है कॉलोन और यहाँ पर ts टाइप कीजिए, जैसा आपने यहाँ पर टाइप किया था सेम आपको यहाँ पर भी टाइप करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने t कैपिटल और s स्मॉल लिखा था तो यहाँ पर आप ts दोनों ही कैपिटल लिखो, आपको सेम का सेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर फाइल्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद सेव पर क्लिक कीजिए, यहाँ से क्लोज कर दीजिए, उसके बाद इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक कीजिए, इस शॉर्टकट राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ से आप इसके आइकन को चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत सारे आइकन के लिए ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ से अपने ब्राउज करके कस्टम आइकन भी ऐड कर सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पर इस वाले आइकन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं, अप्लाई ओके। बट यहाँ पर जो इसके नीचे शॉर्टकट लिखा रहा है वो बहुत अजीब दिख रहा है, तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, रिनेम में जाएंगे और इस शॉर्टकट को कट कर देंगे, उसका एंटर हिट कीजिए। अब देखिए यहाँ से शॉर्टकट लिखा हुआ जो था वो रिमूव हो चुका है, और आप इस फाइल को कहीं पर भी हाइड करके रख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि ये फाइल यहाँ पर शो ही ना हो तो आप इसको अपने किसी भी फाइल में कहीं पर भी सेव कर दीजिए या रख दीजिए, आप इसकी हेल्प से उसको ओपन कर पाओगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है और यहाँ पर हमारे बहुत सारे टैब ओपन स्टार्ट हो चुका है और ये ओपन होता रहेगा, और ये आपके नेट के साथ साथ आपके रैम को भी स्लो कर देगा, नेट तो खा ही जाएगा ये। अगर मैं यहाँ पर इसे क्लोज करता हूँ, देखिए क्लोज क्लिक करने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा समय ले रहा है इसे क्लोज करने के लिए, तो आप सोच सकते हो ये कितना रैम यूज कर रहा है। अभी आपने यहाँ से क्लोज कर दिया, बट आपने यहाँ से CMD क्लोज नहीं किया है तो फिर से ओपन होगा, फिर से आपके बहुत सारे टैब ओपन हो जाएंगे, क्रोम में कर रहे हो, फायरफॉक्स में कर रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर में कर रहे हो, ये सभी में बहुत नेट कंज्यूम करेगा और बहुत ज़्यादा रैम भी, तो आपको यहाँ से CMD को क्लोज कर देना है और ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी वेबसाइट बॉमर क्रिएट कर सकते हो, वो भी नोटपैड की हेल्प से। तो अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर दीजिए, जिससे अगर हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @MrShivakumar, इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और वहाँ पर आपको मेरी वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप दोनों को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।